गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास थर्ड मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइन एंड शेप्स एंड डिज़ाइंस। इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट शेप्स एंड डिज़ाइंस। हम अलग अलग शेप्स और अलग अलग डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर? बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है। जो शेप थ्री साइड्स का होता है, जिसमें तीन साइड्स होती हैं, वो होता है ट्राइंगल। विथ फोर साइड्स स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, विथ जीरो साइड्स सर्कल। नाउ लाइक दिस, ऐसे ही और भी शेप्स होते हैं जिसमें ज़्यादा साइड्स होती हैं, जो कि मैं आपको आपकी कॉपी में व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर मैं आपको कॉपी में ड्राइंग्स बना के भेजूंगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, थ्री साइड्स दैट इज़ दिस शेप ट्राइंगल, फोर साइड्स स्क्वायर रेक्टेंगल, दो इसको हम क्वाड्रिलेटरल्स भी बोलते हैं, फाइव साइड्स पेंटागन बोलते हैं, ये ऐसा वाला शेप होता है, सिक्स साइड्स हेक्सागन बोलते हैं, ये इस पे सिक्स साइड्स हैं अगर आप काउंट करेंगे, सेवन साइड्स इसको बोलते हैं हेप्टागन, ठीक है, इसमें सेवन साइड्स होते हैं अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसी तरीके से 8, 9, 10 भी होते हैं, जो कि मैं आपको आपकी कॉपी में जब करवाऊंगी मैं आपको उसमें शो करूंगी। फॉर नाउ, सो नाउ हेयर द फर्स्ट इज मेक अ क्लैपर। यहाँ पे क्लैपर मतलब आवाज़ करने के लिए, जैसे कि कोई इतने बहुत तेज ताली बजाते हैं ना, वैसी वाली आवाज़ करने के लिए यहाँ पे एक वो जो फटाका होता है बनाते हैं, वो बनाना बताया है, जो कि मुझे लगता है आप सबको पहले से आता होगा। सो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। नेक्स्ट पेज वी विल गो, दैट इज़ हैव फन विथ शेप्स। शेप्स के साथ थोड़ा सा फन। नाउ हेयर हैव फन विथ शेप्स, कलर द क्लाउन फॉलोविंग द फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, वो करके हमें इस क्लाउन में कलर भरना है। क्या दिया है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल को रेड कलर से करना है। जो भी जैसे भी शेप्स हैं, जितने भी शेप्स हैं जो ऐसे हैं, उसमें रेड भरना है, स्क्वायर्स में येलो भरना है, रेक्टेंगल में ब्लू भरना है, सर्कल में ग्रीन कलर करना है। पेंसिल कलर के अलावा और कोई सा कलर आप यूज़ नहीं करेंगे प्लीज़, ओके। सो आप जब इस कलर में, इस क्लाउन मीन्स जोकर, जोकर में जब आप कलर कर देंगे, क्लाउन में कलर कर देंगे, देन इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। टर्न द पेज। अब यहाँ पे हमसे पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इन तीनों में कितने कितने ट्राइंगल्स हैं। तो लेट्स काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो 8 हो गए। फिर इसमें और भी ट्राइंगल्स हैं जो कि हमें सर्च करने, कैसे 8, 9, 10, 11 और 12, देखा आपने। तो ये भी 4 और है, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, 12 ट्राइंगल्स। हेयर वी विल काउंट, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ 3 मोर आर देयर, फाइंड इट, लेट मी टेल यू, ओके। हाउ मैनी वी काउंटेड, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ 9, 10, ओके, वन मोर, 11। सो दीज आर द ट्राइंगल्स 11। लाइक दिस देयर आर 13 ट्राइंगल्स, इफ यू विल फाइंड यू विल गेट। आप इसको खुद सर्च करिए, इसमें 13 ट्राइंगल्स ही निकलेंगे। नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन ब्लू। अब इसमें सबसे बड़ा रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल मीन्स फोर साइड्स वाला और सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्सेस होंगे वो ट्राइंगल होगा। मैंने ये पहले से फाइंड करके रखा हुआ है। देखिए ये वाला जो है वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, तो मैंने उसको शेड कर दिया ताकि आपको अच्छे से देखे। जैसे कि इसमें किया हुआ है, तो ऐसे हमारे पास तो पिंक कलर का पेन या स्केच से नहीं कर सकते हम, ताकि अच्छे से देखें। सो व्हाट वी हैड डन, आई हैड शेडेड इट, सो यू कैन ऑल्सो शेड दिस। हेयर इन दिस
विच इज़ द बिगेस्ट रेक्टेंगल, दिस वन, एंड इन थर्ड दिस वन. ओके सो यू शेड इट लाइक दिस, लुक एट हियर. ओके ध्यान से देखिए आप, इस तरीके से आपको शेड करना है इन बुकों. नाउ एट्स एंड कॉर्नर्स, मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम. टिंगू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड. वाइल द अदर्स वुड मूव अराउंड अ टेबल, द मूवमेंट टिंगू स्टॉप्ड क्लैपिंग, एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर. ओके द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड. अब यहाँ पे ये लोग एक गेम खेल रहे हैं कि एक टेबल है, टेबल पर कितने कॉर्नर्स होते हैं, फोर, पर यहाँ पे कितने बच्चे हैं, फाइव जो खेल रहे हैं गेम. एक आउट में है जो कि क्लैपिंग करेगा. सो द गेम इज़ कि आपको पहले तो टेबल के आसपास खड़े हो जाना है, फिर एक बच्चा जिसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है वो क्या करेगा, क्लैपिंग करेगा. जैसे ही वो अपनी मर्ज़ी से क्लैपिंग करेगा, जैसे हम वो खेलते हैं ना चेयर वाला, चेयर रेस, वैसे ही खेलना है. बस यहाँ पे कॉर्नर रेस हो गया. जब वो ताली बजाना बंद करेगा आपको एक जगह पे रुकना है जहाँ पे आप हो. अगर आप किसी कॉर्नर के पास हो तो आप बच गए, जो बिना कोई कॉर्नर के है वो व्यक्ति आउट हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा क्लैपिंग करने और ये बच्चा यहाँ पे गेम में चला जाएगा. ओके नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आंसर. ये हम इस क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में भी लिखेंगे. सो अभी आप ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे करना है. Looking at the picture given below, given above, can you tell who is out? क्या आप ऊपर से picture देख के ये बता सकते हैं कि out कौन है? गुड्डू, क्योंकि ये किसी corner पर नहीं है. So गुड्डू is out. Where is गुड्डू standing? गुड्डू कहाँ खड़ा हुआ है? Middle of one edge of table. Table के एक side के बीच में खड़ा हुआ है. Can this game be played around a round table? Why? क्या ये गोल टेबल के आसपास खेला जा सकता है? नहीं. और क्यों? तो नहीं, ये राउंड टेबल के आसपास नहीं खेला जा सकता. क्यों? क्योंकि बिकॉज राउंड टेबल डू नॉट हैव कॉर्नर्स, क्योंकि गोल जो टेबल होती है उसमें कॉर्नर्स ही नहीं होते हैं. तो वो कहाँ पे आके रुकेंगे, है ना? Now, many things around you have straight edge. For example, a book, a chair, a kite. Other things have curved edge, for example, edge, wheel. This is a plate. Okay. So now, look around you and identify things with straight and curved edge. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Straight edge वाले कौन कौन से हैं? Table, book, wall. ठीक है, इनके जो किनारे हैं वो straight हैं. Now, curved edge, मुड़ी हुई एज, basketball, tomato, wheel. Okay, now, do the things with straight edge have corner? जिसकी straight edge होती है वहाँ पर corners होते हैं? हाँ, होते हैं. Do the things with curved edge have corner? ऐसे मुड़ी हुई चीज़ों की corner होता है क्या? नहीं होता है. देखो आप इसमें कहीं corner है? नहीं है. बट आपकी जो बुक है, आप अपनी बुक में देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है, तो ये देखिए इसमें कॉर्नर होता है ना. बुक्स में कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन सर्कल वाली जो चीज़ होती है, कर्व्ड एज वाली, उनमें सर्कल वो कॉर्नर्स नहीं होते. नाउ ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एज. अब उसमें ये बोला है ऐसी चीज़ हमें फाइंड करना है जिसमें कर्व्ड एज भी हो और स्ट्रेट एज भी हो. तो वो काय काय में होता है? साइकिल में होता है. साइकिल में टायर भी होते हैं और स्ट्रेट लाइन भी होती है. कार भी होता है, कार में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. गिटार, गिटार में भी होता है. ओके नाउ एक्टिविटी टाइम. अब यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ. ये आप खुद से ही कीजिए, इट इज़ फन. और इसमें कुछ भी ऐसा सीरियस वाला नहीं है. बस आपको एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है और उसके कॉर्नर्स काउंट करने हैं. फिर आपको एक कोना मोड़ना है, फिर कॉर्नर का, फिर काउंट करना है, फिर एक मोड़ना है, फिर काउंट करना है, फिर एक मोड़ना है. ऐसे करके थोड़ा सा गेम है जो कि आप खुद से कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स अनचेंज्ड? क्या आप इसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं इस पेपर को
जो कि लास्ट पेज पे दिया है इस पेपर को, कि उसका एक भी कोना कोने का जो काउंट है, यानी कि सिंपल पेपर में फोर कॉर्नर्स होते हैं, वो चेंज ना हो। तो येस वी कैन डू इट, हम उसको वन और टू जैसा कि हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसके फोर कॉर्नर्स हैं तो फोर ही रहेंगे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टेक द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स, ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एज एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ दैम। अब हमें क्या करना है, एज, एज मीन्स ये जो किनार होती है इससे, ये पूरी क्या है, एज है, ओके। बट ये जो बुक का ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों साइड्स ये दो एज, एक एज, दो एज ये मिल रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, ये होता है कॉर्नर, ओके। नाउ लेट्स चेक, फर्स्ट डाइव, यस इसमें कॉर्नर होता है तो यस लिखेंगे, नहीं होता तो नो लिखेंगे। तो यस नंबर ऑफ एज 12, इसके जो नंबर ऑफ एज हैं ऐसे ऐसे वो 12 हैं और नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हैं। जब आप लेके करोगे ना तो आपको पता चलेगा, बॉल नो उसमें कोई साइड्स नहीं होते, कॉर्नर्स नहीं होते और एज और कॉर्नर्स भी नहीं होते, 0 0। इरेजर होते हैं, इरेजर के तो मैं आपको शो भी कर सकती हूँ, दिस इज़ अ इरेजर, दिस इज़ यूज वन, ठीक है, ये मैंने यूज की हुई है। सो विथ दिस हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे, सो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए, 5 6 7 8, सेम यहाँ पे भी है 8 9 10 11 12, 12 एड्स हो गए इसमें। हमने ये यहाँ के ये जो एड्स है दो बार गिने क्योंकि ये वाला साइड भी है, ये वाला साइड भी, और ये सारे 1 2 3 4 गिने हैं, तो 4 4 और ये 4, 12 हो गए, ठीक है, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नाउ 8 कॉर्नर्स, फिर एग, एग में होते ही नहीं है तो 0 0 आएगा और नो आ जाएगा, शीट ऑफ पेपर यस 4, ओके। नाउ इन द फॉलोइंग फिगर टेक दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस। पहले तो हमें ये करना है कि ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से में कॉर्नर्स हैं। 1 2 मैंने पहले से टिक करे हुए हैं, लुक दिस वन, 1 2 3 4, दिस फोर शेप्स आर हू हैज कॉर्नर्स, इनके ये कॉर्नर्स हैं। नाउ दे हैव वन मोर क्वेश्चन, डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन, यस ओनली 2, सिर्फ 2 की कर्व्ड लाइंस हैं, बाकी सब में, बाकी 2 में कर्व्ड लाइन नहीं है। Using only straight lines, can you draw a figure which has no corners? क्या हम straight line use करके ऐसा कोई figure बना सकते हैं जिसमें corners ना हो? No, we cannot. नहीं, हम नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। Turn the page. 10 grams. Actually, 10 grams old Chinese puzzle है जिसमें बहुत सारे अलग अलग shapes के pieces दिए होते हैं और उनको जोड़ के हमें कोई अच्छा सा शेप डिज़ाइन बनाना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक स्क्वायर शीट होती है, उसमें अलग अलग शेप्स ऐसे कटे हुए होते हैं और फिर उन्हें हमें अलग अलग शेप्स में जोड़ करके ये पिक्चर्स बनाने होते हैं। ये डक है जो कि पानी के ऊपर है, ये कोई चिड़िया है, ये माउंटेन्स हैं, दिस कुड ऑल्सो बी अ, दिस कुड बी अ स्नेक। तो ऐसे अलग अलग शेप से कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ये चाइनीज़ पज़ल है जो कि पहले वहाँ पे खेला जाता था, ओके। सो यहाँ पे 5 10 ग्राम जो है ये 5 पीसेस से बनता है, इसमें सिर्फ 5 पीसेस आते हैं और आपको उसी से बनाना होता है, वो अलग अलग शेप्स में भी आते हैं। और इसमें के 10 ग्राम्स अलग अलग शेप्स में आते हैं, हो सकता है 12 भी हो, 20 भी हो, 25 भी हो, पीसेस अलग अलग शेप्स के आते हैं, ये स्मॉल है इसलिए इसमें 5 है। नाउ there are some questions on the next page, we can solve it. How many triangles do you have in your set? Are all of them in equal size? Find out. अब हमारे पास मान लीजिए ये सेट है तो उसमें 3 triangles हैं, 1 2 और ये 5th वाला 3, ये तीनों क्या है, triangles हैं, okay. Now no all are not equal, सारे equal हैं क्या, नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो सारे इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है नो ऑल आर नॉट इक्वल। यूज द 2 small triangles इन द 10 ग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग स्टेप। ये बनाने के लिए हमें इनमें से कोई से 2 triangle का यूज़ करना है, ठीक है,
वन टू और फाइव में से कोई से भी दो ट्राइंगल्स का यूज़ करना है। विच टू पीसेज ऑफ टेंग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम फाइंड आउट। अब कौन से दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो सेम है बिल्कुल, वो है टू एंड फाइव। टू एंड फाइव इन दोनों का सेम शेप है लेकिन वन वाला थोड़ा सा बड़ा है। इधर देखिए आप, टू और फाइव बराबर लग रहे हैं बट ये वन है, ये इन दोनों से बड़ा है, तो ये टू एंड फाइव बराबर है। नाउ टेक फोर एंड फाइव, टेक पीस फोर एंड फाइव फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड, ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन ज्वाइन द अदर पीस। अब यहाँ पे बोला है कि फोर और फाइव पीस लेना है हमें, और हमें ये चेक करना है कि उसके कौन से साइड पे हम फोर और फाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज्वाइन नंबर फोर ऑन स्लैंट साइड ऑफ नंबर फाइव पीस। हम फोर नंबर का जो पीस है वो फाइव नंबर के स्लैंट, स्लैंट मीन्स तिरछा, ये वाला साइड है ना, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं स्लैंट, तो इस साइड हम उसको स्टिक कर सकते हैं। ये हम छोड़ रहे हैं, ओके लेट्स मूव ऑन। सेवन पीस टेंग्राम, अब यहाँ पे सेवन पीस वाला आ गया, मैंने आपको बताया था अलग अलग साइड्स के होते हैं, सो दिस इज सेवन पीस टेंग्राम। नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। नाउ हेयर इज़ अ पिक्चर गिवन, आप एक स्क्वायर शेप बना के उसमें इस तरीके से पीसेस काट के उससे अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे उन्होंने दिखाया है। लुक, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ स्वान, दिस इज़ ओनली जस्ट फ्यू पीसेस दैट यू कैन यूज़ एंड मेक। सो इस तरीके से आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं उन पीसेस को काट के, सो ट्राई इट, ओके। नेक्स्ट पेज, वीविंग पैटर्न। गोलू एंड बिंदु वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, दे सॉ मैनी रग्स डरीज। ठीक है, दरीज आपको पता है ना, नीचे बिछाने की, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बनाई हुई जो हैंड हाथों से वो लोग बनाते हैं वो देखी, और उन्होंने क्या देखा, वाओ सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप, सर्कल, ट्राइंगल, सी द पैटर्न। अब यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने जब ये सब देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आंसर करेंगे पिक्चर में से देख के, ओके। वेट, देखिए यहाँ पे ये देखिए, अलग अलग शेप्स हैं, ये अलग शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, ओके। सो विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे ये भी हम कॉपी में करेंगे, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स बोले हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स में ये कैरी नहीं आती हैं, ये भी नहीं आते हैं, ओके। ये आते हैं सर्कल एंड ऑल, ये हाफ, ये सो व्हाट आर दोज आर्चेस, ये फर्स्ट वाले में ये आर्चेस दिए हैं, ये पैरेललोग्राम, डायमंड शेप जो होता है, हेक्सागन जिसमें सिक्स साइड्स होते हैं, अभी मैंने बताया था दो तरह के हेक्सागन हैं, एक ये लंबे वाले भी हेक्सागन हैं, छोटे वाले भी हेक्सागन हैं, तो हमने लिखा है हेक्सागन एंड हेक्सागन स्मॉल मीन्स छोटे वाले हेक्सागन्स, स्क्वायर, स्क्वायर्स भी हैं और सर्कल्स भी हैं, ओके। नाउ इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस, क्या कोई ऐसा शेप है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है कोई पर्टिकुलर पैटर्न में, हाँ हैं, विच वंस, लुक हेयर, दिस डायमंड शेप, ये रहा डबल सर्कल, ये रहा, ये एक पैटर्न हो गया जो रिपीट कर रहा है अपने आप को, फिर ये वाला पैटर्न, फाइव स्क्वायर्स वन हेक्सागन, फाइव स्क्वायर्स वन हेक्सागन, ये भी कर रहा है, तो हमने टू दिखा दिया। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन। क्या हो रहा है, शेप सिर्फ कर्व लाइन से बने हैं, नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने हैं, नहीं, बोथ, दोनों से बने हैं, तो हमने टिक किया है बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस, लास्ट वाला ऑप्शन। नाउ यू कैन लीव दिस पैटर्न, दिस थिंग, या फिर आप अपनी मम्मा की साड़ी में से, शॉल में से, या दरी वगैरह पे से ये कुछ पैटर्न्स जो आपके पास हों वो देख के बना सकते हैं, अगर आप बना पाएँ तो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन इसलिए है, ओके। टर्न द पेज, हेयर ऑल्सो
दीज आर ऑल्सो डिज़ाइंस ओके। जब भी कोई हम डिज़ाइन पैटर्न का बहुत सारा साथ में मिला के बनाते हैं तो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही टाइल यूज़ किया है, ये टाइल एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से किया है, कैसे स्टैंडिंग वे में और स्लीपिंग वे में, ठीक है। जैसे खड़े में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी करा है, हॉरिजॉन्टल मीन्स लेटा हुआ, ये जो ऐसे वाले भी होते हैं ना ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब लेटी हुई डिज़ाइन ये है, और ये जो खड़ी वाली डिज़ाइन होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों टर्म्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ और वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ। तो उन्होंने ये डिज़ाइन कैसे बनाई है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और यहाँ पे बस उसका उल्टा कर दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट किया है लेकिन यहाँ पे वर्टिकल से, फिर उसका उल्टा उल्टा करते गए, तो कितना सही सुंदर सा पैटर्न बना है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है नेक्स्ट वाले में, कि उन्होंने लिया है कौन सा, सिक्स साइड्स वाला, दैट इज़ हेक्सागन। सिक्स साइड्स वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो हेक्सागन लिया है उन्होंने, तो इसकी जो स्ट्रेट साइड है उसको एक और वाले की स्ट्रेट साइड से मिला के उन्होंने ये पूरा पैटर्न बनाया जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एक एक्टिविटी दी है, ये रही वो एक्टिविटी, अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल विद द डिज़ाइन दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन टू मैच। अब यहाँ पे पहले तो एक एक सिंगल सिंगल टाइल दिया है और फिर ये बताया है कि आपको ये बताना है कि ये कौन सी वाली डिज़ाइन से मैच कर रहा है, अगर ये एक से ज़्यादा साथ में लगाएंगे तो कौन सा किसको मैच करेगा। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये दोनों, ये चारों एक दूसरे में ही है, मीन्स इसका कोई इन दोनों में से एक है, इसका कोई इन दोनों में से एक है, पर हमें पता कैसे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों टाइल्स में। देखो इसमें एक बड़ा वाइट वाला जो है वो बहुत बड़ा है और एक ऑरेंज वाला बहुत बड़ा है, तो हम वही देखेंगे कि कौन से में ऑरेंज वाला बड़ा है या कौन से में वाइट वाला बड़ा है। तो ये देखो वाइट बड़ा है, तो इसमें देखो एक वाइट बड़ा आ रहा है और एक ऑरेंज भी बड़ा आ रहा है, मीन्स ये वाला इसका है और ये वाला इसका है, फिर सेम यही है। अब आप इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच छः साइड्स हैं, तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो कॉर्नर भी इसका ऐसे ही आएगा जिसमें मोर देन फोर साइड्स होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स साइड्स हो गए ना कॉर्नर वाले टाइल को देखेंगे तो मैच हो रहा है, तो ये हमने इसको इससे मैच कर दिया, और क्योंकि ये ट्राइंगल है तो हमेशा ये साइड से ऐसे ही आएगा। ओके तो ये देखिए 1 2 3 और एक बीच में रहेगी, 1 2 3 बीच में ऑरेंज, 1 2 3 बीच में ऑरेंज, 1 2 3 बीच में ऑरेंज, तो ये इससे मैच है। नाउ दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, यू कैन कंप्लीट दिस, आपको इसको इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट करना है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट पेज में भी है, आपको ये भी कंप्लीट करना है। फिर नीचे फोर्थ नंबर पे एक क्वेश्चन है, खुशबू एंड हरीज, खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा, वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल, एक दिन हरीज और खुशबू आगरा में रहते हैं, वो कहाँ गए ताजमहल देखने, तो वहाँ पे फ्लोर पैटर्न मिला उन्हें ऐसा, आई कैन सी टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न, खुशबू बोलती है कि मेरे को इसमें दो तरह के टाइल्स दिख रही हैं अलग अलग, फिर हरीज बोलता है आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज, फिर ये बोलता है नहीं ये एक ही तरह की टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। नाउ वट डू यू थिंक, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है। तो हमें ये लगता है कि ये सेम डिज़ाइन की जो टाइल्स है एक ही तरह की यूज़ की है, ये सही कह रहा है, और सिर्फ इसका रखने का तरीका अलग है, जैसे कि मैंने आपको बोला था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वही यहाँ पे हुआ है, मीन्स इसका एंगल डिफरेंट है, अगर ऐसा है तो 90 डिग्री, ऐसा है तो 180 डिग्री, 90 डिग्री 180 डिग्री, तो जब भी हॉरिजॉन्टल बोलेंगे तो वो होगा 180 डिग्री एंगल, और वर्टिकल बोलेंगे तो वो होगा 90 डिग्री एंगल, ठीक है।
तो एंगल चेंज होता है टाइल्स का, बाकी सब सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइलिंग टाइम। हियर द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल। ये जो पैटर्न है ये यहाँ से बना है। इन दिस पैटर्न थ्री कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। इसको जीने जैसा बनाने के लिए यहाँ पे इसके अलग अलग कलर्स को यूज़ किया गया है। बाई यूजिंग टू कलर्स, इसमें दो कलर यूज़ किया है, इट बिकम अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स। अब बनाया दोनों में सेम है, ये जो जमाए हुए हैं उन्होंने टाइल्स, ये बिल्कुल सही सेम तरीके से जमाए हैं, ठीक है, फूल के पैटर्न में। लेकिन जब उनका कलर सिलेक्शन की बारी आई तो दोनों दिखने में अलग अलग कलर के लग रहे हैं। देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि जीने हैं और यहाँ पे आप फूल, आपको फ्लावर मिल जाएंगे। देखो वन फ्लावर, टू फ्लावर, थ्री फ्लावर, फोर फ्लावर, फाइव फ्लावर, या आधा फ्लावर, ये आधा फ्लावर। तो ये तरीका होता है। इसी तरीके से आपको भी इन दो नीचे वालों में अलग अलग तरह के कलर यूज़ करके इसमें पैटर्न बनाना है, ठीक है। नाउ आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप। और कुछ लोगों ने इस शेप की मिठाई, वो बता रही है कि उसने एक मिठाई देखी है। हैव यू सीन दिस शेप इन माई अदर डिज़ाइन ऑन वॉल, ऑन ड्रेस, ऑन बास्केट, अ मैट ETC। तो अब वो आपसे ये पूछ रही है कि आपने ऐसी कोई डिज़ाइन देखी है जो कि मेरी ड्रेस अदर डिज़ाइंस में थी। नाउ दिस इज़ अ गेम फॉर यू, ठीक है, ये एक ट्रेजर हंट का गेम है। दिस इज़ वेरी ईजी फॉर यू, ये आप खुद कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ गेम। आफ्टर दिस द चैप्टर एंड्स। ओके, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे फ्रैंक और जूई मम्मा के साथ दोनों आई थी खेलने, ठीक है। फ्रैंक और जूई के लिए मम्मा ने यहाँ पे गिफ्ट्स छुपाए हैं, बट वो उनको पहले एक ट्रेजर हंट के थ्रू ढूंढना पड़ेगा। ट्रेजर हंट एक ऐसा गेम होता है जिसमें चीज़ें छुपाई जाती हैं और फिर उसे कोई नक्शे के थ्रू या कोई पजल के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो बस स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ट्री कौन सी है, ये, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और वैसा वैसा करते जाइए तो आप अपने खजाने के पास पहुँच ही जाएंगे। अब वो खजाना कहाँ है देखो, मैं दिखाती हूँ। ये है सबसे बड़ी ट्री, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और ख़ज़ाना यहाँ है। वैसे तो आपको पता चल गया बट इन दोनों को नहीं पता है ना, सो यू हैव टू हेल्प देम। सो द चैप्टर एंड्स हियर। हैव अ नाइस डे एंड डू स्टडी वेल। थैंक यू।